हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे, वेलकम टू द कुंच कॉर्पोरेशन। आज मैं आपको संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण के बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले भाषा के बारे में बता देता हूं। भाषा, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, ये एक साधन है अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने का। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। इसके माध्यम से मानव जाति मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप से अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करती है। इस प्रकार भाषा के तीन भेद बन गए। पहला है मौखिक या कथित, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। सबसे पहले मैं आपको मौखिक या कथित के बारे में बताता हूँ। बोलकर या कहकर अपने मन के विचार और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने को मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। बस इसके लिए हमें ध्वनि और आवाज की जरूरत होती है। भाषण एवं प्रवचन इसी भाषा के एग्जाम्पल है। इसके बाद लिखित, इसमें लिखकर जो विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित रूप भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है। पुस्तकें व समाचार पत्र आदि इसी भाषा के उदाहरण है। और लास्ट है सांकेतिक। ये एक ऐसी भाषा है जो शरीर के संकेतों द्वारा, जैसे हाथों की बनावट, आंखों व चेहरे के हाव भाव आदि से सामने वालों को अपनी बात समझाना है। ये सभी सांकेतिक भाषा में आते हैं। हम संस्कृत भाषा को पढ़ने से पहले हम उसमें बार बार आने वाले दो शब्दों के बारे में जानेंगे, जो लिपि और व्याकरण है। इसमें जो लिपि शब्द है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मौखिक भाषा जिसे हम बोलने में यूज करते हैं उसे लिखित रूप देने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया गया उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि लिखी जाती है, और ये अन्य लिपियों के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद व्याकरण। किसी भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियम का ज्ञान होता है। भाषा एवं व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण भाषा को मजबूती प्रदान करता है। इससे हम कह सकते हैं कि व्याकरण का ज्ञान होना सभी के लिए बहुत जरूरी है। व्याकरण में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे विराम चिन्ह, वर्णों का तालमेल और शब्दों का क्रम आदि। जिसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार स्कूल में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने दो वाक्य बताए और उनसे रिलेटेड एक एक स्टोरी बताई। पहली स्टोरी ये थी कि किसी गाँव के एक घर में माँ ने अपने बच्चे के लिए दही जमा रखा था, पर उस दही में कुछ गिर जाने के कारण वह जहर बन गया था। तो माँ ने दही खराब होने की वजह से उसे बालकनी में रख दिया। वहां से एक कौवा, जिसे काग भी कहते हैं, गुजर रहा था। उसकी नजर उस दही पर पड़ी और उसने वो दही खा लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। अध्यापक ने यह कहानी सुनाते हुए बोर्ड पर पहला वाक्य लिखा, काग दही पर जान गवायो। और फिर उन्होंने दूसरी स्टोरी बताई। एक दफ्तर में काम कर रहा कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और उसके बड़े अधिकारी ने एक कागज पर अपने हस्ताक्षर कर उसके हाथों में दे दिया, जिसमें लिखा था, यू आर सस्पेंडेड, जिसका मतलब है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और इस सदमे से उसने अपनी जान दे दी। दूसरी कहानी को बताते हुए अध्यापक ने उसी वाक्य को दोबारा लिखा, कागज ही पर जान गवायो। बस इसमें विराम चिन्ह और वर्णों के तालमेल को बदल दिया था, जिससे दोनों ही वाक्यों का अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहा था, और बच्चे आसानी से समझ गए कि एक व्याकरण भाषा के लिए कितनी जरूरी है। अब आते हैं संस्कृत भाषा में, जिसमें संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, क्री धातु और इक्त प्रत्यय से मिलकर बना है। उपसर्ग धातु और प्रत्यय क्या है, इसे मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा, पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि जो शब्द किसी अन्य शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो उनके पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। ऐसा शब्द जो काम के होने का बोध कराता हो उसे धातु कहते हैं। संस्कृत को शुद्ध और परिमार्जित भाषा कहते हैं। इसे डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।